फाइर में जिंदाबाद 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 फाइर में जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए खेड़ी जालब के मेरे बुजुर्गों ने एक पूरा परिवार इकट्ठा होकर, पूरा परिवार है जो हमारा बूढ़ा दादा खेराम परिवार जिसको बोलते हैं, दादा खेराम का परिवार है, पूरा परिवार ने इकट्ठा होकर मान सम्मान किया है, मालाओं से, फूल मालाओं से और पैसों की मालाओं से मान सम्मान किया है और पूरा विश्वास और भरोसा दिलाया है कि ये इलेक्शन में ये समर्थन तो हो ही हो गया, ये इलेक्शन आपका नहीं, इलेक्शन हमारा है। इन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि इलेक्शन हम खुद लड़ेंगे, ये आपका तो सिर्फ नाम नाम है, इलेक्शन हमारा है और हम इलेक्शन लड़ेंगे पूरा जोर जोर से, भारी मोहब्बत से जिता के निकालेंगे। कितने परिवारों का ये समर्थन है? परिवार तो परिवार वाले से पूछो कितने परिवार हैं, परिवार ये बताएंगे। इसी के साथ खेड़ी जालब गांव में कैसी पोजीशन देख रहे हैं आप खुद की? ये तो आप खुद देखिए, आप पूरा 36 बरादरी के लोग इकट्ठे होकर के, मतलब 200-200 गाड़ी गांव से निकल के वोट मांगने लिए जाती हैं, तो ये तो आपको दिख ही रहा है कि पूरा खेड़ी जालब एक तरफा है। मेरा नाम पवन कुमार है, सनोपसरी सबेर सिंह जी, बताइए। ठीक है, गांव खेड़ी जालब में मेरा गोगड़िया पन्ना है और करीब मेरे 15-20 घर हैं, जो मेरे खुद एक दादा, जो मेरा दादा बांडा करता खेरा में करता, मरदादा खेड़ुआ था। ठीक है, मेरा पूरा परिवार एक साथ एकजुट होकर बाहर में इसका हमने समर्थन दिया, और समर्थन या आश्वासन दिया है कि गांव खेड़ी जालब नहीं बल्कि पूरे वार्ड से एक तरफा मोल बना के आपको जीत हासिल करा के हम गांव खेड़ी जालब में दोबारा धन्यवादी दौरा पर लेके आएंगे। ठीक है, इन मुद्दों पर समर्थन है आपका रमेश उरांव? भाई रमेश पर मेरा इन मुद्दों पर समर्थन है, पहले भाई दूसरे वार्ड से जिला परिषद रहे हैं, जब अगर इसके अंदर कुछ खासियत की काबिलियत दूसरे वार्ड ने भी इनको जिला परिषद बनाया, और अब तो मेरे वार्ड का भाई है मेरा, ये 7 साल से हमारे बुजुर्गों के दुख सुख में हर गांव वार्ड के सभी गांव में 7 साल से इसने एकजुट होकर सभी में पहुंचने का काम किया, चाहे किसी खुश की बात हो या दुखी की बात हो, उसमें भाई रमेश ने अपना पूरा टाइम निकाल कर। दूसरी बात, जो आ रही युवाओं को खेल नशे की लत से दूर करने के लिए खेल प्रोत्साहन राशि देकर के बहुत सारा इनाम बच्चों को दिया इसने, हर तरह की किट वगैरह ड्रेस वगैरह बच्चों को युवाओं को खेलने के लिए दिया है। ठीक है, और इसका एक मेन उद्देश्य है कि युवाओं को नशे की लत से दूर करने का काम मेरा पूरा दिल ठोक के कहता हूँ कि भाई रमेश अगर पार्षद दोबारा बना के लेके आते हैं वार्ड वाले, तो सभी युवाओं को खेल के नशे की लत से दूर कर देगा। धर्मपाल जी, खेड़ी जाले का अक्षर पर जी। अच्छा जी, आपका आपने क्या क्वालिटी देखी रमेश उरांव में? आपने क्वालिटी है जी, इसका बाप और मैं एक साथ हम सरपंच थे और एक ही साथ हम क्लास में पढ़ने लगे थे, हमारा कदे हमारा दूसरे का नहीं, वो सही कौन जीतना ही निकाली है। क्या छवि है इनकी रमेश उरांव की? छवि बढ़िया है, छवि बिना तो मैं लागा को नहीं रहे, जो दो बार सरपंच बन लिया मैं लागू को करा है, तो जी लागे इसकी छवि बढ़िया है, अगर छवि खराब हो गया मैं कह दिया हमारा नाइए भाई मरया कोई। देखिए, मैं हर गाँव में प्रचार प्रसार में भी जाता हूँ वोट की अपील करने के लिए, भाई रमेश का सहयोग और समर्थन दिलाने के लिए भी हम लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और 9 के 9 गांव में दिन रात हम जाते हैं, 36 बिरादरी का भरपूर समर्थन है और भारी मतों से जीत के भाई विजयी होगा। ऐसे बुजुर्ग और नौजवान साथी सभी आशीर्वाद देते हैं, हमारी माताएं बहनें भी बड़े ज़ोर शोर से आगे बढ़कर वोट की अपील करती हैं, और इसका काम भी बोलता है। जैसे हम अब राखी खास में से आए, पूरा लोरा पाना 36 बिरादरी ने भाई रमेश का और मलिक जितने भी थे, सारा पूरा राखी खास गांव ने बड़ा जोर जोर से भाई का समर्थन किया, तो वहाँ जिस चौपाल में भाई का प्रोग्राम था उस चौपाल को बनाने का काम भाई रमेश पार्षद ने किया। और पहले हमारे 2 गांव इस वार्ड में नहीं आते थे, अभतपुर और खेड़ी जालब। मैंने भी वैसे भी जाकर के भाई के साथ कई बार दुख सुख में भी आने जाने का मौका मिला, तो गांव में जाकर के पता किया तो हर गांव में जैसे एमएलए ग्रांट बांटता है उसी तरह ईमानदारी से काम किया इस भाई ने, तो उस काम का आज इसको आशीर्वाद लोग और बुजुर्ग दे रहे हैं।